अभी फिलहाल हम लोग आ गए यूरेंज पे, तो गाड़ी चला रहा है वैसे। अब देख सकते हो एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन है और ग्रीनरी, जिधर देखो ग्रीनरी देखने मिल रही है। ये देखो मंकीज देखने मिल रहा है आपको यहाँ पर, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो येवूर हिल्स है ये, और हम लोग एकदम डेड एंड पे आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आगे सिर्फ कुछ गांव है और रास्ता भी देख सकते हैं आप लोग छोटा होते जा रहा है अभी, जब पहले थोड़ा बड़ा रास्ता था तो अभी थोड़ा छोटा होते जा रहा है रास्ता। और पीछे ये गाँव है, जैसे कुछ कुछ जगह पर ना ऐसे ट्रेल्स लगे हुए हैं, तो ये ट्रेल्स आप देख सकते हो, ट्रेल्स है ऐसे आप ऊपर जा सकते हो। बट देखा जा रहा है वैसे यहाँ पर हवा एकदम साफ है, ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है बॉडी को, और एकदम जो बर्ड्स होती हैं उनकी वॉइस सुनाई दे रही है, एकदम शांत है यहाँ पे। रास्ता तो बिल्कुल ख़राब है, आप यहाँ फोर व्हीलर तो लेके बिल्कुल मत आना, बट सी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी ग्रीनरी, अभी बारिश होके गई है इसलिए थोड़ी ग्रीनरी आपको ज़्यादा देखने मिल रही है यहाँ पर, तो यही बेस्ट टाइम होता है। अभी थोड़ी ठंड आ जाएगी तो और फिर आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने मिलेगी, जैसे कभी कभी आप शाम के वक्त आओगे तो यहाँ पे फॉग भी देखने मिल जाता है आपको, तो ये चीज़ है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ऊपर आए हैं और ये दूसरे साइड का एरिया है, एकदम अपोजिट साइड में यहाँ पर भी गांव ही है देखा जाए तो, बट आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ हैं अच्छे अच्छे सामने, और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है एक्चुअली, आप देख सकते हो रॉ लाइफ लोग जी रहे हैं यहाँ पर, पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीनरी, अब भी बारिश हुई तो ग्रीनरी आपको देखने मिल जाती है, बट है तो पूरा जंगल एरिया है। अंदर ही एक हिडन ट्रेजर है येवूर हिल्स, यहाँ पे सिटी के अंदर इतना अच्छा माउंटेन व्यू और जो ग्रीनरी है जो लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं लोनावाला साइड वगैरह, वो ये थाने में ही मिल जाता है, और दिस वाज वन ऑफ दी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, पीपल कैन कम एंड सी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एंड जो फील है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही नेचुरल, और ऑक्सीजन तो आप पूछो ऐसा ऑक्सीजन भर भर के मिल रहा है यहाँ पे कि आराम से आप यहाँ पे ना बिना थके घूम सकते हो। एक्चुअली हम लोग अभी 2 घंटे से यहाँ पे घूम रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा थकान बिल्कुल नहीं लग रही, उल्टा हम लोग रिफ्रेश हो गए देखा जाए तो। ये आप सामने का व्यू देखो, ये जो व्यू है ये व्यू आपको हिल साइड में ही मिलता है, जहाँ पे जो लोकेशन है वो काफ़ी ऊँचाई पर रहता है, बट यहाँ का जो व्यू है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू आपको ऊटी साइड में वगैरह ऐसे रास्ते मिलते हैं, दिस इज़ एक्चुअली वेरी
ये ऐसे जो ब्लाइंड स्पॉट दिख रहे ना, ये हमको उसमें मिले थे लद्दाख में। ये ऐसे जो ब्लाइंड स्पॉट होते ना, थोड़ा डेंजरस होता है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है गाड़ी। तो आप भी फोर व्हीलर अगर लेके आते हो तो ध्यान से चलाइए, एकदम रिफ्रेशिंग। और जैसे आप देख सकते हो, देखो एक के पीछे एक गाड़ी है और चढ़ाना है तो उनको भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो आराम से अगर सब लोग जाएंगे तो इजीली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आसानी होती है। पर यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे लेपर्ड्स वगैरह भी है और जानवरों के साथ मजाक नहीं करना है, उनको छेड़ना नहीं है। तो जैसा नेचर है उनको नेचुरल तरीके से रहने दो अपने हैबिटेट में। हम उनके हैबिटेट में आए हैं तो हम आराम से यहाँ पे जो भी आपको ग्रीनरी देखनी है या फिर मज़ा लेना है तो आप ले सकते हो। वैसे आपको वन डे आउटिंग के लिए लोनावाला जाने की ज़रूरत नहीं है, ठाणे सिटी के अंदर ही आपको एक रिफ्रेशिंग अमेजिंग व्यू मिल जाता है और आप रिफ्रेश हो जाते हो बैक टू कॉर्पोरेट कल्चर के लिए। एग्जैक्टली।